आज है ड्राइविंग सीरीज का पार्ट नंबर 16 और इसमें मैं बताऊंगा कि ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चलाते हो। जब भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है देन हाउ डू यू ड्राइव इन दैट सिचुएशन। क्या होता है कि अगर आपकी क्लच पे प्रैक्टिस नहीं है ना तो गाड़ी आपसे बंद होगी। लोगों का यही डाउट होता है कि कैसे चलाएं कि बंद ना पड़े। अब जैसे अभी जैसे ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, इट कुड बी ट्रैफिक लाइट, एनीथिंग, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। सबसे पहले व्हीकल से थोड़ा सा तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। इसका एक ही नुकसान है, डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो कि बीच में बाइक वाले घुसेंगे। लेकिन फ़ायदा ये है, अभी जैसे ये व्हीकल है मेरे सामने, ये वैन खड़ी है, ख़राब हो गई, तो अगर मुझे इससे आगे निकलना है तो मेरे पास जगह नहीं है स्टेयर करने के लिए, लेफ्ट या राइट घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलो। एक रूल होता है, आपको सामने वाली गाड़ी के पीछे वाले व्हील दिखने चाहिए। ये एक एनएफ डिस्टेंस होती है कि अगर वो गाड़ी बंद पड़ गई तो वहीं के वहीं स्टेयरिंग घुमा के गाड़ी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला, बंद ना पड़े जब भी स्पीड। एक होता है रनिंग ट्रैफिक, आप 10-20 की स्पीड पर गाड़ी चलती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन ये है एक जगह जब गाड़ियाँ रुक जाती है काफ़ी देर के लिए तो फर्स्ट गियर में चलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है, स्टॉल करेगी, वो तभी तो करेगी ना जब सेकंड गियर में उसे चलाओगे, सेकंड गियर में वापस उठाते हो तो करेगी। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी रेस दे के पहले और फिर क्लच छोड़नी होती है ताकि गाड़ी झटका ना ले। रेस दे दी थोड़ी, अब क्लच छोड़ो। ये जो डिस्टेंस है मेरी गाड़ी और वैन के बीच, ये एक अच्छी गैप होती है। ज़्यादा वो अचानक ब्रेक मारेगा तो मेरे पास टाइम होता है रोकने के लिए। वैसे भी स्पीड 10-20 की आराम से आप रोक सकते हो, बट स्टिल थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखो साइड वाले व्हीकल से भी। साइड वाले व्हीकल देखो, अभी जैसे लेफ्ट में ये व्हीकल है तो पहले बोनट की डिस्टेंस देख लो कितनी है, 1.5 फीट है ये, और फिर मिरर को देखना होता है कि कितनी डिस्टेंस है, तो ये अंदाज़ा लिया जाता है। अगर आपको पूरा फ्रंट लेफ्ट एंड राइट जजमेंट की वीडियो देखनी है तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, अभी मत देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बाद में जाके देख लेना। बट जो मेन कंसर्न है वो यही है कि गाड़ी बंद क्यों हो रही है। बंद वो इसीलिए हो रही है कि आप सेकेंड गियर में उठा रहे हो, रेस कम दे रहे हो। इतने ट्रैफिक में सेकंड गियर में उठाने के काफ़ी नुकसान है। एक तो इंजन में फालतू का लोड आता है, माइलेज खराब कर लोगे, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। दूसरा, गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है तो फर्स्ट गियर में ही गाड़ी उठानी है। और जब भी गाड़ी रोकनी है, जैसे अभी मैंने रोक ली, ठीक है, मैंने आगे वाले व्हीकल की लाइटों पर हमेशा नज़र रखनी है कि कब वो दबा रहा है ब्रेक, उसी हिसाब से मुझे भी वहीं दबाना है क्योंकि सामने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ है। अब मुझे यहाँ पर गाड़ी रोकनी है तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक से पैर हटा के हैंड ब्रेक भी नीचे आराम से खड़े हो, गाड़ी धीरे धीरे आगे या पीछे चलेगी। अगर थोड़ा सा भी अगर स्लोप है तो उस चीज़ का ध्यान रखना, आगे या पीछे टकरा सकती है। जैसे गाड़ी रुक गई, ब्रेक के ऊपर लगातार पैर, अगर लग रहा है कि 30-40 सेकंड तक खड़ी होने वाली है तो हैंड ब्रेक लगा लेना न्यूट्रल करके। अभी देखो ये सिचुएशन है, लेफ्ट में भी गाड़ी है, राइट में भी आगे जगह नहीं है, तो मैं बोनेट देखता हूँ कि लेफ्ट में कितना गैप है, राइट में मुझे बराबर रखना होता है। अब ज़्यादा आगे लेके जाने की ज़रूरत है नहीं, या तो मुझे इस लाइन में मर्ज होना पड़ेगा या लेफ्ट में, तो थोड़ा सा गैप इसीलिए मेंटेन करना होता है कि अगर मुझे यहाँ जाना पड़ गया तो मेरे पास डिस्टेंस है पूरा स्टेयरिंग घुमा के जाने के लिए। और एक तो लेन रूल, अभी लेन से बाहर हो गए चलो वापस। एक तो इंडिकेटर, चाहे छोटी सी डिस्टेंस हो चाहे ज़्यादा हो, इंडिकेटर ज़रूर देना है। अभी देखो जैसे कहने की 100 बातें होती हैं कि व्हील दिखने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो कोई नहीं मेंटेन करता उसे। इतना नज़दीक गाड़ियां चलती है, बम्पर टू बम्पर जिसे आप कहते हो, दिल्ली जो भी आप ट्रैफिक, जो भी बैंगलोर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज हैं उनमें जब भी चलाते तो इतना ही गैप होता है, तो नज़र रखनी होती है आगे वाले व्हीकल की लाइट्स के ऊपर, कब वो ब्रेक दबा रहा है, कब वो व्हीकल खड़ा है, साइड में भी आगे भी, तो ब्रेक दबा के रखो जब भी खड़े हो। एक ट्रैफिक में फालतू का हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे किसी ने हॉर्न नहीं बजाया अभी तक, क्योंकि सबको पता है फाटक बंद है या ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है, जो भी है, तो हॉर्न बजाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जल्दी सबको है निकलने की। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो रुकूँगा आधा पौना घंटा आराम से फिर निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फालतू के हॉर्न मत बजाओ। रेड से ग्रीन लाइट होते ही वो व्हीकल का बंदा जो है ड्राइवर वो हॉर्न बजाएगा, जिसके आगे 20 गाड़ियाँ खड़ी है, कोई मतलब ही नहीं है उसके हॉर्न बजाने का, क्योंकि आगे से हटेंगे तभी तो चलेंगे। अब यहाँ पे मुझे राइट में मर्ज होना पड़ेगा क्योंकि आगे से जगह नहीं, तो यहीं पे इंडिकेटर देके थोड़ा थोड़ा धीरे, एकदम घुमानी नहीं है क्योंकि राइट में व्हीकल है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर प्रैक्टिस आपकी होती है ना तो नहीं घबराते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन सीखने के बाद ही ट्रैफिक में भी ले गए, फिर उसे हाईवे पे भी ले गए, फिर घबरा रहे हो, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, फिर कभी चला ही नहीं पाए, नहीं ऐसा नहीं। प्रैक्टिस अगर होगी तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। लास्ट की वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी कि थोड़ा सा डोमिनेट करके चलना पड़ता है रोड के ऊपर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
ये भी ठीक है। डोमिनेट का यहाँ पे मतलब था कि, मतलब ऐसा नहीं है कि सामने से व्हीकल आ रहा, आ जा तू निकाल ले, रेड अगर कोई क्रॉसिंग आ जाए तू भी आ जा, तू भी आ जा, मैं खड़ा हूँ तू भी आ जा, ऐसे नहीं। आपके पीछे भी लाइन लगी है, उनको भी जल्दी है, तो थोड़ा सा डोमिनेट सेफली, मतलब नुकसान ना हो किसी को, आपको या सामने वाले को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हॉर्न तभी देना जब साइड चेंज करते हो, कभी कभार फटाफट लेफ्ट राइट आते हो तो इंडिकेटर देने के बाद हॉर्न दबा दिया करो, एटलीस्ट सामने वाले को एक इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ लेफ्ट या राइट से कोई व्हीकल आ रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक छोड़ू तो गाड़ी पीछे जाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ब्रेक पे पैर रखो जब तक गाड़ी खड़ी है। आप डोमिनेट का मतलब बताते हो, ये देखो अगर मैं चाहता तो रुक सकता था, वरना ये ऑटो सामने से निकलते, लेकिन नहीं, मुझे निकलना पहले। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बताऊंगा कोई किताबी नॉलेज की, नहीं रुको उनको आराम से निकलने दो, पास करने दो, नहीं। एक तो ट्रैफिक में ट्रैफिक के हिसाब से चलाओ, मतलब फालतू भगाने की जरूरत नहीं है, जितना अलाउ करती है आपकी गाड़ी, जगह, बाकी व्हीकल, उतना ही चलाओ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बाकी एक स्पीड अगर 20-30 की आप 40-50 चला रहे हो, अचानक ब्रेक मारोगे फिर पीछे से कोई और ब्रेक मारेगा। ऐसे अभी मान लो यहाँ पे स्लोप है, तो यहाँ पे न्यूट्रल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन क्लच से दबा के हल्के हल्के ब्रेक ले लिए फिर छोड़ दिए, न्यूट्रल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफ्यूज नहीं होते हो बार बार की न्यूट्रल है गियर में, तो क्लच दबा के हल्के हल्के ब्रेक ले लो। खाली क्लच में चला सकते हो ट्रैफिक में, एक ये होता है कि कितनी रेस दें कहीं सामने वाले को ना लग जाए, तो रेस दो ही मत, पहले गियर में उठ जाती है अगर गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं है, स्लोप नहीं है, तो खाली फर्स्ट गियर में भी गाड़ी उठा सकते हो, मतलब खाली क्लच में बिना एक्सेलरेटर के। मैं अपने फुट मूवमेंट का कैमरा वहाँ पर नहीं लगा सकता, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी 3 कैमरा है, फिर 4 कैमरा, क्या क्या दिखाऊंगा वीडियो में, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। और वैसे भी देख के कितना ही एग्जैक्टली मेरे जैसे कर लोगे, या किसी को भी देख के आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, खुद की प्रैक्टिस के ऊपर है, एक आइडिया मिल सकता है बस। देखो यहाँ भी बार बार क्लच छोड़ के रेस देने की जरूरत नहीं है, अब मेरा क्लच पे भी पैर नहीं है, रेस पे भी नहीं है, अपने आप गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल रही होती है, क्योंकि 1800 RPM भी होती है, चल रही है, थोड़ा सा मंदी पड़ी, थोड़ी सी रेस देके छोड़ दी, फिर थोड़ा रेस देके छोड़ दी, ठीक है, बार बार क्लच छोड़ के रेस दी, फिर क्लच दबाई, नहीं वो सब नहीं करना, माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी और गाड़ी का नुकसान होगा क्लच का, वो अलग। थोड़ा सा रेस देके छोड़ दी, फिर थोड़ी मंदी पड़ी, फिर रेस देके छोड़ दी, ना ब्रेक दबाने पड़े ना क्लच दबानी पड़ी, इससे स्मूथ चलती है थोड़ी गाड़ी। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे धीरे, थोड़ी थोड़ी क्लच छोड़ के ही, बस रेस नहीं दे रहा हूँ, अगर नोटिस कर पा रहे हो तो वीडियो में देख के, थोड़ा सा स्लोप है। एक थोड़ा आगे तक नजर रखो, हो सकता है जिस लेन में आप चल रहे हो वो आगे चल के बंद है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो लेन फ्री लग रही है कि हाँ ये थोड़ी सी तेज चल रही है उसमें चला लो। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि लेफ्ट आगे बंद है, कोई फायदा नहीं है, व्हीकल है कुछ, कोई और व्हीकल है, तो अपना इसी में रखो, चाहे थोड़ा धीरे चल रही है लेकिन एटलीस्ट वो चल रही है। यहाँ थोड़ा सा रनिंग है, एक चीज होती है कि आप बार बार फर्स्ट सेकेंड, अब थोड़ी सी चली सेकेंड में डाल दी, अब फिर रुकी फिर फर्स्ट में डाल दी, ऐसा मत करो। गियर भी धीरे धीरे तो लाइफ कम हो ही रही है क्लच की भी, तो एक ही गियर में मेंटेन करो। अब मैंने सेकंड में छोड़ दी, कुछ है रेस छोड़ दी, ठीक है, फिर रेस देके चल रही है तो चल रही है, अब लग रहा है थोड़ी मंदी हो रही है सामने वाले व्हीकल, तो रेस मैंने छोड़ दी, तो हल्का सा ब्रेक ले लिया, फिर रेस दे दी। गियर चेंज जितना हो सकता है कम करो, इसी से माइलेज ड्रॉप होती है, फिर गाड़ियों को आप बदनाम करते हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कि ये माइलेज नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, आती है तो निकालो। अब यहाँ पे सेकंड में ही है, मैंने गियर चेंज नहीं करा, मुझे पता है मंदी होगी व्हीकल, ठीक है, लेकिन चेंज अब भी नहीं करा, अभी भी सेकंड में ही है, अभी भी हल्के हल्के ब्रेक ले रखे हैं बस। ओके करें एकदम रुक,
कुछ भी कर सकते हैं। तो जो अचानक अभी ब्रेक मारे, तो अगर आदत है, कंफ्यूज नहीं होते हो एक्सेलेरेटर और ब्रेक में, तो ब्रेक लगा दो, वरना पक्का ठुकती गाड़ी और पीछे वाले भी ठोकते मेरी में। टच वुड वो भी ठीक था ड्राइवर। अब पता है राइट वाले मोटर मुझे जाना ही नहीं राइट, तो पहले लेफ्ट में दबा ली, ट्रैफिक में फंसना क्यों है। एक आपको ये लगता है ना कि हाँ मुझे ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं, जैसे वो ट्रैफिक था, तो पहले रेस से पैर हटा के ब्रेक पे इशारे के लिए ऊपर रख लो कि अगर दबाने पड़े तो मैं दबा दूंगा अचानक, ताकि टाइम वेस्ट ना हो पैर स्विच करने में, रेस से ब्रेक में आने में टाइम वेस्ट ना हो, पहले ब्रेक पे पैर रख लो, पैनिक ब्रेकिंग के केस में काम आता है। अब मैं ट्रैफिक में टर्न करना दिखा देता हूँ, ठीक है, यू टर्न। थोड़ा सा पीछे कोई व्हीकल आ रहा होगा, मुझे पता है, अब इसने आगे रोक दी। थोड़े बहुत तो देखो व्हीकल आते रहेंगे आपके लिए, कोई रोड को खाली नहीं करेगा, तो थोड़ा सा जल्दी। अब इंडिया तो रुक भी नहीं रहे कि हाँ गाड़ी घूम रही है, तो थोड़ा सा तो रुक जाए, उसे घूमना है नहीं, थोड़ा सा जल्दी। देखो व्हीकल आते रहेंगे रोड, जैसे मैंने बताया कोई रुकेगा नहीं कि हाँ चलो ठीक है आप खाली कर देते हैं, वो मोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। व्हीकल आते रहेंगे, थोड़ा सा डोमिनेट करके चलो, बंदों को रोक के चलो, वो रुकेंगे, रोकोगे तो, लेकिन स्पीड देख लेना पहले उस व्हीकल की, वो रुक पाएगा कि नहीं आपके लिए। डोमिनेंस इज द की, बट विद कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के डोमिनेंस मत करना, नहीं कर पाओगे, कोई और कर देगा। इससे नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इफ यू स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग। अगर ड्राइविंग सीख रहे हो तो कॉन्फिडेंस कैसे लाना कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, और अगर सीख चुके हो, छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो वापस जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गेन कैसे करना है कि यार एक्सीडेंट हो गया, मैं चला नहीं सकता, ये हो गया, वो हो गया, तो उसे वापस गेन कैसे करना है, देन हाउ टू मेंटेन दैट, वो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। बट इस वीडियो में थोड़ा ट्रैफिक का देख लेना, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, एटलीस्ट 14 पार्ट्स आ चुके हैं। अब देखो दिस इज रनिंग ट्रैफिक, रनिंग में क्या होता है 10-20 की 25 की स्पीड यू कैन मेंटेन, बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, करने वाले यहाँ भी कर देंगे, दूसरा तीसरा नहीं मत करना। सेकंड गियर है, रेस मैंने छोड़ दी, मुझे पता है वो अब थोड़ा सा धीरे पड़ेगी वो गाड़ी, ठीक है, हल्की सी रेस दे के रखी, मेंटेन किया, पंजा दबाया नहीं है, फिर रेस छोड़ दी, ठीक है, मैं गियर चेंज नहीं करूँगा, गाड़ी ने वैसे ब्रेक लगा रखे, शायद मुझे चेंज करना पड़े ब्रेक, कोशिश करूँगा मुझे ना करना पड़े, थोड़ी सी रेस दे के फिर छोड़ दी, अब ब्रेक दबाने पड़ेंगे। फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में मत उठाना छोटी गाड़ी, मैं तो कहता हूँ यार कोई भी गाड़ी मत उठाओ, जब दिया है फर्स्ट तो क्यों नहीं यूज करना, वो आलस के मारे आप सेकंड में उठा लेते हो, फिर कहते हो गाड़ी स्टॉल करती है, ये गाड़ी इसमें पावर की कमी है, दिस कार इज अंडर पावर्ड, यार चलाने का तरीका सीखो ना, उठाते कैसे गाड़ी को फर्स्ट गियर में। अब फर्स्ट गियर में है, मुझे लगेगा नहीं यार वो फिर से मंदी पड़ेगी, आगे थोड़ा और कंजेशन है, तो थोड़ी सी और मंदी कर दी, अब मैंने सेकंड में शिफ्ट कर दी, फिर से वही रेस छोड़ दिया है, ब्रेक पे पैर नहीं है, क्लच पे पैर नहीं है, कोई रेस नहीं देने फालतू की, रेस दे के छोड़ दो, चलती रहेगी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, रेस से हल्का सा पैर दबा के, ऐसा पैर दबा के उठा लिया है, ऐसे करना होता है, बिल्कुल हल्का सा, तो दिखाई दे गया सामने ट्रैफिक है, ठीक है। एक तो मैं जो दो दो कैमरा की फुटेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बताना कितना हेल्पफुल है, ठीक है, और क्या इसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करूं या ना करूं, ऐसे ही कि एक मेरा फ्रंट डैश कैम है, एक मेरा सेंटर वाला जिससे आप मेरे स्टेयरिंग के मूवमेंट देखते हो, तो क्या उसका फ़ायदा है कि नहीं है, ताकि मैं उसे यूज़ करूं या ना करूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने लगाया तो आपके लिए सेंटर में कैमरा, ताकि आप लोगों को मेरा थोड़ा स्टेयरिंग का वो दिखे, मूवमेंट कितना क्या घुमाता हूं, कैसे घुमाता हूं, कैसे मेरे हैंड मूवमेंट होती है वो सब। धीरे धीरे चल रहे हैं यार, चीज़ें देखो वही रिपीट होती है, ड्राइविंग इज नॉट ए रॉकेट साइंस इफ यू हैव एनफ प्रैक्टिस। अब तो मैं खुद बोर हो गया प्रैक्टिस बोल बोल के, क्योंकि बस है तो है, प्रैक्टिस ही है और कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, कौन से गियर में चलाएं, यहाँ स्टेयरिंग कौन कितना घुमाएं, कौन से गियर में ब्रेकर से उठे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
सब आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, स्पीड कितनी है उस हिसाब से गियर होते हैं। तो ट्रैफिक का देखो इतना ही होता है, समराइज मैं कर देता हूँ। धीरे चलो, व्हीकल से थोड़ा सा गैप मेंटेन करो, सेफ डिस्टेंस। मुझे पता है बाइक वाले उस सेफ डिस्टेंस को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे ही आपने थोड़ा सा गैप दिया, पांच बाइक वाले तो कहीं नहीं गए, बीच में घुसेंगे पक्का आके। अगर कोई लग रहा है कि व्हीकल यार अचानक रोड के बीच में रुक गया है चलते चलते, तो खुद भी ब्रेक लगा लो। ऐसा नहीं ये रुक गया मैं निकालूंगा, वो किसी ना किसी वजह से तो रुका है रोड के ऊपर, उसके सामने कुछ है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके चलो वहाँ पे गाड़ी, कि यार कुछ हो सकता है, किसी ने अचानक मंदी क्यों करी गाड़ी, मैं भी कर लेता हूँ एक बार। और ये जो भी टिप्स मैं आपको देता हूँ कहीं से पढ़ के, वो सब कुछ नहीं, अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे आपको दे रहा हूँ कि मैं क्या गलतियाँ करता हूँ, क्या दूसरों की गलतियों से सीखता हूँ, खुद की गलतियों से वो मैं शेयर कर देता हूँ।